नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक है, जिसका टॉपिक है भूमि विकास बैंक, जिसे हम लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। परिचय में भूमि विकास बैंकों की आवश्यकता क्यों। भूमि विकास बैंक वे बैंक हैं जो कृषकों को उनकी संपत्ति के बदले ऋण उपलब्ध कराते हैं। भारतीय कृषकों को मुख्यतः तीन प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है, जिसमें अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण सम्मिलित हैं। पूर्व समय में अल्पावधि तथा मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता प्राथमिक कृषि तथा साख समितियों के द्वारा पूरी की जाती थी। यानी प्राथमिक कृषि अर्थात साख समितियां कौन हैं? वे सहकारी बैंक हैं, जिससे किसान जरूरी कृषि खाद उपकरण, बीज तथा अन्य कृषि योग्य साधन खरीदते थे। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां देश की अधिकतर जनसंख्या खेती करती है, वहां किसानों को ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, हार्वेस्टर आदि महंगे मशीनों को खरीदने तथा अनाज के भंडारण हेतु दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। परंतु देश में ऐसी बैंकिंग व्यवस्था न होने से किसानों के खेती संबंधित जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी और उत्पादन में निरंतर गिरावट आने के कारण किसानों के मन में सरकार के प्रति असंतोष की भावना जागृत हो चुकी थी। अतः यह महसूस किया गया कि ऐसे संस्थान होने चाहिए जो किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराएं, जिससे भारतीय कृषि व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसलिए भूमि विकास बैंकों का उद्भव हुआ, जिसे हम भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपके पास और भी कोई प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, या तो आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।